इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, श्रद्धालुओं से संबंधित। जम्मू के कटरा में बस में आग लग गई है। हादसे में जलकर पूरी तरह से राख हो गई है बस। हादसे में कई यात्रियों के झुलसने की खबर आ रही है। बहुत भीषण हादसा हुआ है इस वक्त जम्मू के कटरा में, जहां बस में आग लग गई है। और जानकारी मिल रही है कि वैष्णो देवी की यात्रा पर थे ये तमाम यात्री, और ऐसे में कई यात्रियों के झुलसने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू के कटरा से आ रही है। हमारे साथ पवन सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, कितने बजे यह हादसा हुआ है, कितने यात्री सवार थे, क्या वो वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे थे? देखिए, जो फिलहाल जानकारी मिल रही है कि ये श्रद्धालुओं से भरी बस जो माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा के बिल्कुल पास, वहां पर चलती बस में अचानक आग लगी है, जिसमें कई जो श्रद्धालु हैं वो झुलस गए हैं। उनको कटरा हॉस्पिटल में लाया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की टीमें मौके पर हैं, और जो आसपास के कटरा के लोग हैं उन्होंने भी वहां पर रेस्क्यू किया है, क्योंकि बस में चलती बस में आग लगी थी। वहां से लोगों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, काफी ज्यादा लोग जो है वो जल चुके हैं। उनको कटरा हॉस्पिटल में लाया गया है, लेकिन कितने लोग अभी तक इसमें मरे हैं या फिर घायल हुए हैं उसकी जानकारी अभी मिल रही है। कि श्रद्धालु पवन, क्या आप ये बता पाएंगे कि आखिर आग लगने की वजह क्या रही? फिलहाल अभी तक कोई भी जानकारी पुलिस के पास नहीं है कि आग कैसे लगी है। जो लोग बस से बाहर निकाले गए हैं वो उनका यही कहना है कि अचानक अंदर से धुआं निकला है और उसके बाद आग की लपटें शुरू हो गई हैं। पवन, आप मेरे साथ बने रहिए, तस्वीरें भी आ रही हैं। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं। दरअसल ये वही बस है जिसमें आग लगी है। कटरा में वैष्णो देवी दर्शनों में के लिए जाते हुए तमाम जो यात्री थे वो इसमें मौजूद थे, और कहा जा रहा है कई यात्री इस आग के बाद झुलस गए हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम को बहुत टाइम लगा इस आग को काबू करने के लिए, और देखिए किस तरह से शोले उठ रहे हैं इस गाड़ी से, इस बस से, और इतनी ज्यादा बड़े भीषण तरीके से इसमें आग लगी है कि इसे आग को बुझा पाना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। कितनी देर तक धू धू कर बस ये जलती रही पवन? लगभग आधा घंटा ये बस के अंदर आग रही है। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है तब तक स्थानीय लोगों ने और जो बस के भीतर लोग थे उन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, और लोगों ने उनको खिड़कियों की तरफ से बाहर निकाला है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि महिला को बाहर निकाला गया, वो रो रही थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, उन्होंने लगभग आधा घंटा आग बुझाने पर काबू पाया है। अगर बस की हालत आप देखें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी बस जो है वो जलकर खाक हो चुकी है अंदर से। काफी ज्यादा श्रद्धालु इसमें बस में थे, और जो झुलस चुके हैं उनका कटरा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस की टीमें अभी मौके पर हैं। जी, इसमें महिलाएं और बच्चे भी जरूर सवार होंगे। कुछ आंकड़ा सामने आ पा रहा है कितने लोग मौजूद थे? फिलहाल अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसमें कितने लोग थे, लेकिन जो लोग निकाले गए हैं बाहर उनके अनुसार इसमें महिलाएं और बच्चे भी थे जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे। और जो बताया जा रहा है कि जो शनि मंदिर जो कटरा का है आधार शिविर के पास ही, वहां पर जो बस में आग लगी थी, पुलिस की टीमें जो है वो श्रद्धालु जो झुलस गए थे उनको लेकर कटरा अस्पताल पहुंच रहे हैं। अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या इससे यातायात भी बाधित हुआ है? फिलहाल जो ट्रैफिक थी वो सुचारू कर दी गई है। जब आग लगी थी तब रास्ता बंद कर दिया गया था। आग पर काबू पाने के बाद फायर ब्रिगेड ने जब पूरी आग पर काबू पा लिया तो बस को एक साइड पे हटा दिया गया है, और जो रास्ता था वैष्णो देवी का वहां पर यात्रा जो गाड़ियां थी वो अभी चल रही है। जी पवन, आप मेरे साथ बने रहिएगा इस बीच।